हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार हमारे गठबंधन बहन जी ने किया हुआ है, ये गठबंधन की सरकार वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने की आज कगार पर आई हुई है। बहन जी की रैलियाँ देख लो आप, सारा हरियाणा की जनता आज बहुजन समाज पार्टी और एलायंस के पीछे खड़ा है। हम महाराष्ट्र के अंदर रेगुलर इस कोशिश में है कि सारे समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपने पैरों के ऊपर उनको खड़ा करें, लेकिन यहाँ पर मनुवादी ताकतें, क्योंकि आप नागपुर में खड़े हैं और आप इस बात को जानते हैं कि मनुवादी ताकतें कौन सी हैं, वो अलग अलग चीज़ों का बहुत ज़्यादा वापर करके हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। संविधान रद्द इसलिए कि संविधान धोखे में आया है, संविधान अड़चन में आया है। पिछले 65 साल में कांग्रेस ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, ऐसी तैसी की, उसके बाद में बीजेपी को लोगों ने मौका दिया, बीजेपी ने भी 15-18 साल में उन्होंने भी वही धंधे किया, इसलिए अब लेकिन लोग कन्फ्यूज में है। महाराष्ट्र भर में चुनाव का अभी हम देख रहे हैं, माहौल बन रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने नागपुर के दीक्षाभूमि से एक मार्च पुकारा है और हम देखते हैं कि ये रैली दीक्षाभूमि से चैत्यभूमि जाने वाली है। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में विगत कई सालों से बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की कॉन्टेस्ट करती है पर उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसके पीछे यानी एक तरीके से देखते हैं कि लोगों में उदासीनता है, वोटर्स में उदासीनता है, इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। जो उदासीनता की और इसकी बात करते ही ये मनुवादी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, जो फुले शाहू, बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब, इन महापुरुषों की कारवा लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी इस देश में राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व कर रही है सारे बहुजन समाज का। अभी ये जो मनुवादी तंत्र है, ये नहीं चाहता है कि दलित कोई पीएम बने, दलित कोई बड़ा नेता बने और ये बहुजन समाज उनके पीठ पीछे लग जाए। एससी एसटी लग गया, ओबीसी लगेगा, माइनॉरिटी लगेगा, इनकी इच्छा है कि इनके पीछे ये नहीं लगे, इसलिए वोटों की खरीद फरोख कर हमारी पार्टी को बदनाम करने। हरियाणा में चुनाव है, गठबंधन का एक जोश चल रहा है, रैली में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अभी इलेक्शन है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन? देखिए, हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार हमारे गठबंधन बहन जी ने किया हुआ है, ये गठबंधन की सरकार वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने की आज कगार पर आई हुई है। बहन जी की रैलियाँ देख लो आप, सारा हरियाणा की जनता आज बहुजन समाज पार्टी और एलायंस के पीछे खड़ा है। महाराष्ट्र में भी जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में भी अभी ना सापनाथ ना नागनाथ, इसके बाद में अगर रहेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता इस महाराष्ट्र में स्थापित होगी, ऐसा सारी जनता ने यहाँ पर आगाज किया हुआ है। ये हमारे आज जो रैली का जो ये है, इस मकसद के कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि ये संविधान जन जागरण रैली, आरक्षण बचाओ, बहुजन बचाओ, महाराष्ट्र प्रदेश के सम्माननीय प्रभारी एडवोकेट, सम्माननीय प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, साथ ही साथ प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में दीक्षा भूमि यह पवित्र जगह से इस रैली की हम शुरुआत कर रहे हैं, संविधान जन जागरण रैली। ये रैली शुरुआत दीक्षा भूमि से होकर समापन चैत्य भूमि मुंबई में उस पवित्र जगह पर होने वाला है और 9 तारीख को माननीय कांशीराम साहब इनके स्मृति दिन के उपलक्ष में समापन रहेगा और ये रैली 10 दिन तक के पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब इनके नेतृत्व में अभी नागपुर से रैली निकली है। मेरे नागपुर शहर की, जिले की सारी जनता, सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ से यह रैली हम लोग कुछ करेंगे और भंडारा की तरफ में हमारी रैली निकलने वाली है। रैली में और लोगों से बात करते हैं जो पदाधिकारी है और उनका क्या विषय है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और एक तरीके से माहौल चल रहा है यहाँ पर, जो ये रैली का उद्देश्य है, एक तरीके से काफ़ी सालों से महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी लड़ती ही आई है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। अन्य पार्टियां ये आरोप लगाती है कि कुछ डमी कैंडिडेट होते हैं या कुछ और आरोप भी लगते हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? आप पत्रकार हैं, आवाज़ इंडिया के हैं, आपको शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी इतने सालों से बहुजनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसका जानकारी आपको मुझसे ज़्यादा है। मैं समझता हूँ
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी अपने जीते जी बहुत कोशिश करी, माननीय कांशीराम साहब ने भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत कोशिश करी, और बहन जी ने कोशिश करने के बाद चार चार बार सरकार लाई। हम महाराष्ट्र के अंदर रेगुलर इस कोशिश में हैं कि सारे समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपने पैरों के ऊपर उनको खड़ा करें। लेकिन यहाँ पर मनुवादी ताकतें, क्योंकि आप नागपुर में खड़े हैं और आप इस बात को जानते हैं कि मनुवादी ताकतें कौन सी हैं, वो अलग अलग चीज़ों का बहुत ज़्यादा वापर करके हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमने 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन में भी आप लोगों ने देखा कैसे संविधान की गवाही देकर कि भाई संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, सारे बहुजन समाज को इन लोगों ने गुमराह किया। और इसी चीज़ को समाज के मन मस्तिष्क से निकालने के लिए आज हम लोग ये रैली बना रहे हैं कि आप देखिए, जो कांग्रेस, जो मनुवादी लोग आपको कहते थे कि संविधान को बचाना है इसलिए आप हमको वोट करिए, वही कांग्रेस, वही मनुवादी लोग, वही बीजेपी आज जब 1 तारीख का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट जी का, तो उसके बाद कुछ नहीं कर रहे। जिस तरीके से साइकिल मार्च हुआ था, एक आपका यहाँ से भी मार्च हो रहा है, जागरण रैली हो रही है, इसका क्या रिजल्ट पड़ेगा महाराष्ट्र के इलेक्शन में? देखिए, रिजल्ट इलेक्शन में क्या पड़ता है वो बहुत अलग चीज़ है। हमारा बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ एक मिशन भी है, हम बहुजन समाज को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं फुले बाबा शाह की विचारधारा से, और इसलिए हम ये आगाज कर रहे हैं, समाज के अंदर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर फुले बाबा शाह की विचारधारा को कोई बचा सकता है या इस संविधान को कोई बचा सकता है, तो वो है परम आदरणीय बहन जी और बहन मायावती जी, जिस पार्टी का नेतृत्व करती है इसी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब से लेके तो आदरणीय कांशीराम साहब से तक के, कि ये जो मनुवादी लोग हैं बीजेपी कांग्रेस, इसके बारे में साहब कहा करते थे, एक सांपनाथ है और नागनाथ है, तो ये लोग हमेशा के तरह हम लोगों को षड्यंत्र के मुताबिक डमी करके बार बार प्रचार करते हैं। बीजेपी षड्यंत्र करती है और बार बार हम लोगों को ये बताना चाहती है कि ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है, और ये झूठे आरोप लगा करके हमारे ऊपर ब्लेम करने का प्रयत्न करती है। एक्चुअल हम हमारे दिशा से सही दिशा में जा रहे हैं बहन जी के आदेश के अनुसार। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन होने वाला, यहाँ से आपने जागरण रैली कॉल किया है, तो ये इसका क्या शेड्यूल रहेगा, कहाँ कहाँ से जाएगी? यहाँ से दीक्षा भूमि से अभी संविधान चौक से कामठी रोड मार्गे बैरिस्टर खोबरागड़े हॉल, उसके बाद में कामठी रोड के माध्यम से भंडारा रोड, और भंडारा रोड से फिर भंडारा के लिए रवाना करेंगे, कुछ लोग यहाँ रुकेंगे, फिर उस रैली को भंडारा के लोग पिकअप करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव का वातावरण गर्म जोशी के साथ चालू हो गया है, चुनाव आयोग की पीसी भी हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। हम देख रहे हैं नागपुर के दीक्षा भूमि से, जो विश्व विख्यात स्थल है, यहाँ से चैत्य भूमि का एक रथ, एक सिंबॉलिक रथ, जो बहुजन समाज पार्टी ने चैत्य भूमि से दीक्षा भूमि और दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि, जो नागपुर से दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि चालू किया है, हम देखते हैं जनजागरण जो होता है देश में, तो इसका इतिहास रहा है। माननीय और कांशीराम साहब ने साइकिल मार्च किया, और अभी एक जो देश की यानी कांग्रेस है उन्होंने पैदल मार्च किया, तो ये मार्च होते हैं। लेकिन आपको लगता है ये मार्चों से जो मार्च हो रहा है, अभी जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है उसमें रिजल्ट आएगा? ये मार्च का और ये रिजल्ट का तो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मार्च का इतिहास बहुत पहले से रहा है। माननीय कांशीराम साहब ने बम से बनाई, उसके बाद में DS4, तो DS4 के बैनर के तहत साइकिल मार्च, 4,500 किलोमीटर का साइकिल मार्च स्वयं कांशीराम साहब ने चलाया। भारत के जो चार कॉर्नर होते हैं, जैसा कि कोहिमा, नागालैंड, पुरी और कन्याकुमारी, ये चार जो दिशा है भारत के, चार दिशा से अनेक बार मार्च साहब ने निकाले और दिल्ली में हेडक्वार्टर में उसका समापन किया था। वैसा ही उसके बाद में ये बहुजन समाज पार्टी का अनेक जो रैलियाँ निकली, उसमें से आज का ये रथ, और रथ ये संविधान रथ है, और संविधान रथ इसलिए कि संविधान धोखे में आया है, संविधान अड़चन में आया है। पिछले 65 साल में कांग्रेस ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, ऐसी तैसी की, उसके बाद में बीजेपी को लोगों ने मौका दिए, बीजेपी ने भी 15-18 साल में उन्होंने भी वही धंधे किया, इसलिए अब लेकिन लोग कन्फ्यूज में है, जो अपने आप बसपा का वोटर भी, आप बसपा की पॉलिटिक्स को और भारत की पॉलिटिक्स को काफ़ी नज़दीकी से जानते हैं, पिछले दशकों से आप राजनीति का एक हिस्सा भी बने हैं, आप मीडिया क्षेत्र से भी हैं, लेकिन एक जो आरोप लगता है बसपा का, जो कोर वोटर है या सीनियर वोटर है, वो भी एक तरीके से छिटक सा गया है, ये भी आरोप लगता है? बसपा का कोर वोटर तो छिटकता नहीं गया, भले ही बढ़ता गया। हाँ, उनमें यहाँ के अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले जो दलाल किस्म के लोग हैं, उसमें प्राध्यापक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो इधर समाज में ये कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं,
लेकिन वो दलाली का काम करते हैं, छुपे छुपे वो कांग्रेसी होते हैं, कुछ लोग बीजेपी के होते हैं। एक दलाली की बात आपने की, पर एक दलाली का आरोप हम देखते हैं कि विधानसभा में रिजल्ट नहीं आता, तो एक डमी कैंडिडेट का भी मुद्दा वोटर्स बसपा के उठाते हैं कि महाराष्ट्र में रिजल्ट क्यों नहीं आता। हर वक्त में ये बोला गया है, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट वोट बसपा के साथ में है। अब रही बात रिजल्ट की, तो हर वक्त में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उससे लोग भटकते हैं, और अभी वो नहीं भटकेंगे क्योंकि उनको झटके मिले हैं पिछले 75 साल। रणनीति है क्या रणनीति? तो रणनीति ये है कि एससी एसटी ओबीसी ये जो सारे लोग हैं, ये बहुजन समाज की जो विचारधारा है, संविधान की और बाबा साहब के मूवमेंट की ऐसी तैसी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किए। कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, लोगों के ध्यान में आए, इसलिए ये फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि थर्ड लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी और फुले शाह अम्बेडकरी विचारों की पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, और बीएसपी के अलावा कोई पर्याय नहीं है। अब वो समझ चुके हैं, इसलिए बीएसपी का साथ दे रहे हैं, और ये रथ के माध्यम से संविधान को अगर जिस तरीके से ग्राफ तो बसपा बचा सकता। जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता गया गिरता गया बसपा का, लेकिन बसपा अपने पारंपरिक तरीकों पर वापस लौट रही है। जो कांशीराम साहब की टेक्निक थी, जो टेक्टिस थी, वो वापस धरातल पे आ रही है। तो हम देखते हैं विगत कुछ दिनों से जो बसपा का ग्राफ बढ़ता गया उतरता गया, इन सब चीज़ों से कितना फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र के इलेक्शन में। आप जारी रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।